बयान सुनो, चलो चलो मोड़ ले, हाँ आगे बढ़ के आते जाओ। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो है जी रियान की और अहमद की, जिससे बकरा नहीं संभाला जाता। ये इतना सा बच्चा है, कैमल चलाऊंगा। अगर कैमल ने जरा से ऐसे किया ना तो इसने उड़ के जो है यहाँ से समदाबाद जाना है। क्यों जी, सही बात है ना? अभी देखना वीडियो में और वीडियो में देखना इसकी जो है ना बेचारे की पहलवानी देखना जी इसकी। और चले जी, फुल वीडियो देखनी है आपने, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब शौक विद हमाद। और ये है जी रियान की कुर्बानी, कितनी है कुर्बानी और कहाँ से लाए हैं कुर्बानी। और इन्होंने लगाया है 2 ऊँटों का 20 लाख और व्यापारी ने कहा हमें हमारे ऊँटों को गाली ना निकालो। तो वो क्या सारा मजरा हुआ ये आप लोगों ने फुल वीडियो में देखना है। चलें देखें फुल वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब शौक विद हमाद। लेट्स स्टार्ट। चलें जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हाँ जी रियान साहब, माशाल्लाह ये कितने दांत में है? दो दांत में। और ऑलमोस्ट क्या इसका वजन क्या होगा? 1000 kg प्लस होगा। हैं नहीं यार, क्यों भाई मून? चलें जी, साड़ी रौनक और हमारा शौक है सब्सक्राइब करना है आप लोगों ने। और शौक रियान ये दूसरा ऊँट भाई ने निकलवा लो क्योंकि ये तो खड़ा नहीं होगा। देन मैडम को सब्सक्राइब कर लो आप लोगों को, इस तरह की वीडियोस देखने के लिए इंशाल्लाह ताला हमारे चैनल पे ही आना पड़ेगा, क्योंकि कहीं और इंशाल्लाह आप लोगों को ऐसी वीडियोस नहीं मिलेंगी जो कि हम घर घर जा के बनाएंगे। क्यों भाई? इंशाल्लाह रेडी है जी। और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस मिलेंगी, अभी इब्राहिम की वीडियो भी है और किसकी है, अबीहा की है, मलिक साहब की है, फिर बहुत सारे लोगों की है, चट्टा साहब की भी है शायद, एक ननारियाँ भी जाएंगे और एक वो जगह है समनाबाद के सामने, क्या नाम है, वहाँ पे भी जाएंगे, ननारियाँ हैं वहाँ पे, वो एक रोड है उसका नाम बताता है। चले जी शुरू करते हैं। तो रियान ये बताओ कि ये जब सौदा हो रहा था तो उन्होंने क्या डिमांड क्या किया था, थोड़ा ज़ोर से बोलना। 28 लाख रुपये दोनों का पीछे रहो, 28 लाख रुपये दोनों का। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा तक्की से सौदा नहीं हुआ था? अच्छा रियान, ये वाला ऊँट जो है ये कब लिया था? 11 दिन हो गए। ये जोड़ा एक ही साथ दिया था? हाँ जी। और ये उसी दिन की बात है जिस दिन अंकल को बहुत प्यार आया था तुम्हारे ऊपर? अच्छा, ये उसी दिन की बात है, फैसल भाई को बहुत प्यार आया था रियान के ऊपर। खैर वो वीडियो हम नहीं डालेंगे क्योंकि बाप बेटा का प्यार बाप बेटा का ही होता है। रियान वो निकलवाओ बाहर, हम आपको अजर भाई दिखाते हैं जो कैमरे का ख्याल करने के लिए आए हैं यहाँ पे। अजर भाई ऊँट बाकी माशाल्लाह, ये देखें जी रियान का सेकंड ऊँट ये वाला है और आप लोगों ने पहले वॉक देख तो लिया है। अच्छा रियान मुझे ये बताओ, तक्की से तुम्हारा सौदा नहीं हुआ था, वो क्या मसला हुआ था? हिला हुआ था गर्मी से, गर्मी से, या अपने को ऊँटों में कोई शाकार था है गर्मी से और रेटों से। फिर तुम लोगों ने उसका रेट क्या लगाया था जिस पे उसने कहा था? हाँ कितना? 20 लाख रुपए जोड़ी का। उस पे उसने क्या कहा था? मेरे ऊँटों को गालियाँ निकाल रहे, मेरे ऊँटों को गालियाँ निकाल, तुम गालियाँ निकालते हो तो है। सही है, ऊँट भी देख रहा है, 20 लाख रुपए बाकी अमाउंट होती है। और बड़ा मैं उसका जिक्र ना करता यहाँ पे, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए जिक्र करके लोगों को ये बताना चाहा है कि भाई इन लोगों का दिमाग जो है ना वो आप लोग ख़राब ना करें। अगर आपने रेट लगाया है और वो नहीं दे रहा तो छोड़ दें। तुम लोगों ने छोड़ा, दूसरी जगह से लिया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कैमल्स लिए। फिर ठीक है रियान, थोड़ा सा इसकी वॉक कराओ और फिर इसका केले का रेट भी पूछते हैं कि केले का रेट भी है या नहीं है। माशाल्लाह खूबसूरत जानवर है, आप लोग देख सकते हो। और चलो रियान मुझे ये बताओ कि इस अकेले ऊँट का अगर प्राइस
बात की जाए तो कितनी होगी? साढ़े आठ लाख रुपए। ठीक हो गया। और ये दांतों में क्या है ये वाला? दोंदा। अभी तक मुस्लिम टाउन से कहाँ तक लेके गए? सलमान का रिकॉर्ड तो बहुत आगे कहता है, तुम्हारा कहाँ तक का है? मेरा? हाँ। मैं सलमान भाई के साथ ही होता था। नहीं नहीं, वो होता था, लेकिन अभी तक तुम कहाँ लेकर गए? सलमान तो एक बाल टाउन ले गया था। मैं सिर्फ इधर कॉलोनी में ही। कॉलोनी में ही? चलते ही नहीं ज्यादा, थक जाते हैं। हैं? वो वेट के हिसाब से, वो उन दूसरे थे, ये दूसरे। नहीं, ये भी है, खैर उससे हल्के हैं। वो थक जाते हैं, आप थक जाते हैं। हाँ, ये बात भी है, ये बात भी है। चलो जी, अहमद को पकड़ाओ, अहमद चला के लेकर आओ। चले जी, मोहम्मद अहमद जी, मोहम्मद अहमद जो है वो भी बड़ा, ये छोटा रेहान है। ए रयान, जब मैं तुम्हें मिला था तब तुम इतने थे, याद है? ऑलमोस्ट। अच्छा अहमद, कैसा लगा जी? अहमद की तक्की के साथ बहुत लड़ाई हुई है ना? अहमद ने तो वो गुस्सा निकाला तक्की पे, ऐसे जैसे कोई पुरानी यारी है। अच्छा चलो, अच्छा अहमद डर भी लग रहा है? अहमद को डर लगता नहीं है वैसे, ये जान के ड्रामे कर रहा है। तो मुझे ये बताओ कि अब अहमद तुमने कहाँ तक फिराया इसको? मैंने भी भाई के साथ ही। अच्छा चलो, लेके आगे चलो, जरा आओ लेते हो, छोड़ के ना भागना। नहीं जी, माशाल्लाह से ये कैमल जो है ये थोड़ा छोटा है। जी ये है जी मोहम्मद अहमद, मोहम्मद अहमद साहब, ये बकरा कहाँ से आया है, कौन लाया है, कैसे आया है, कितने का आया है? ये क्या कहते हैं, मैं गया हुआ था स्कूल, तो ये बाबा लेके आए हैं, ये उधर उन्होंने मुझे सरप्राइज दिया, और ये 40,000 का आया है। ये टांगे भी मारता है के हाथ में लाता है? ये भी क्या कर रहा था? और ये तुमसे संभाला नहीं जाता? ये खेल रहा है, ये खेल रहा है, तुम्हारे साथ खेलता है जी? कभी सांस तो ले लो, सही तरह से पकड़ो, अच्छी तरह से ले लो। उसने सांस फुला दी है ना, उसकी भी, अपनी भी और इस बकरे की भी। अच्छा ये बताओ कि ये पहले दिन होगा या दूसरे दिन? पता नहीं, देखेंगे। यार ये क्या बात हुई, सारी चीजें बाद में देखेंगे, तो थानू क्यों बुलाया फिर? अगर टाइम मिल गया तो निकाल लेंगे। हाँ सही हो गया माशाल्लाह। तो ये अभी इसको जो है पाल कौन रहा है, खाना शाना कौन डाल रहा है, तुम डाल रहे हो या वही भाई? वही भाई डालते हैं इसको। तो तुम क्या, तुम कुर्बानी सिर्फ ला के देने के लिए थे उनको, भाई को? तुमने इनके इसके अभी तक अभी तक मैंगनिया कितनी उठाई है इसकी जी? मैंगनिया कितनी उठाई है इसकी? जीरो। जीरो? क्यों? ये कौन सा शौक है? हम क्यों उठाएं जब बंदा रखा हुआ है? शौक किस बात का हुआ फिर? अगर तुमने इसकी सफाईयां नहीं करनी तो फिर फायदा? अच्छा हाँ, आप जिसके घर जाते हैं वो, मैं तो कदम बड़े खुद करने, सारे खुद करते हैं, जान खुद करना दे। चाहिए, खुद करना चाहिए ना, करना चाहिए। मोहम्मद अहमद, आज आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? संडे है, तुम्हें ये नहीं पता? मंडे नहीं है, संडे है। संडे कह रहा हूँ बेटे, आज संडे है, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे को ईद है इंशाल्लाह। तो वेडनेसडे तक तीन दिन अब तुमने इसकी सारी सफाई सफुई, इसको नहलाना धुलाना, इसको चारा तुमने डालना, ठीक है? एक मसला ये है, ये हाथ में नहीं आता, अभी भी देख ले। आया हुआ ना तुम्हारे हाथ में ही है ना इतनी देर से? ऐसे ही पकड़ना है, ऐसे ही पकड़ना है, लेकिन थोड़ा प्यार से। ये प्यार वाला है ही नहीं तो? प्यार प्यार तो करना है ना, नहीं तो फिर देखो वो। वैसे मोहम्मद अहमद भी प्यार वाला नहीं है, मुझे पता है। नहीं। आप उसे कुछ खिलाते नहीं हो ना? चले जी, बाकी अब बाकी वीडियो देखते हैं, चले आगे चलते हैं। ओके थैंक यू अहमद। नहीं जी, ये जा रहे हैं अब अंदर, और इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। होप क्या होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। शौक विद हमाद को और हमारा शौक और साड़ी रौनक को बड़ा मेहनत कर रहे हैं इन लोगों को, आज अब जाके पता लगा है कि भाई मैं कितनी मेहनत करता हूँ। घरों में जाके वीडियो बनाना, दैट्स नॉट एन ईजी टास्क। अहमद से एक बकरा नहीं संभाला गया इस वीडियो में। चलो अल्लाह हाफिज़।